नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं क्रेजी फिलॉसफी। मैं हूं आपका दोस्त, होस्ट और कोच आनंद। और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्या करें जब कोई हमें इग्नोर करे। मैंने पार्ट वन बनाया था, उसमें मैंने बोला था कि यार हम कैसे रिक्वेस्ट कर सकते हैं, हम कैसे मना सकते हैं सामने वाले बंदे को, सॉरी बोल सकते हैं। सब सारे तरीके आपने अपना लिए, बहुत सारे मैसेजेस कर लिए, आप बहुत झुक गए, आपने बहुत सारे कॉल्स मिला लिए, लेकिन सामने वाला बंदा अनरेस्पॉन्सिव है, वो रेस्पॉन्स ही नहीं कर रहा है, राइट? उसे मतलब ही नहीं है आपके मैसेज करने से, आपके कॉल करने से, आपके बोलने से, आपके मनाने से, आपके झुकने से, आपके रिक्वेस्ट करने से। अब इस केस में हम क्या करें, ठीक है? तो ये जेन्युइन क्वेश्चन है कि अब आगे क्या करें। अब देखिए भैया, हमने इतना मना लिया तो हमारी भी तो सेल्फ रेस्पेक्ट है ना, एटलीस्ट वी ऑल हैव आवर सेल्फ रेस्पेक्ट एंड सेल्फ एस्टीम। और हम इतना भी नहीं झुक सकते कि हमें कुछ झुका के ऐसे कर दे, राइट? तो भैया बस निकल लो आप, ठीक है? अब भी निकल लो मेरे साजन और मेरी सजनी, अब आप निकल लीजिए। जो जो इग्नोर करने वाले लोग हैं उनको अपनी लाइफ से निकालो कि भैया निकल लो। और वो इग्नोर मारते थे ना, आप डबल इग्नोर मारिए, फिर पता चलेगा उन्हें कि इग्नोर क्या होता है और इग्नोर की अहमियत क्या होती है। अभी तो बस हवा में मार रहे थे, अब उन्हें पता चलेगा कि यार इग्नोर सच में होता क्या है। वो बताइए उन्हें, वो दिखाइए कि यार इसे बोलते हैं इग्नोर करना, इसे बोलते हैं, जानते हो क्या, रिवेंज का नाम से ना, बदला। तो एक चीज याद रखना मेरे दोस्त, नॉट गिविंग अ फक इज बेटर देन द बिगेस्ट रिवेंज। डोंट गिव अ फक अबाउट देम, डोंट गिव अ डैम अबाउट देम, कि मुझे मतलब ही नहीं है यार, मेरी अपनी लाइफ है, यू डोंट एग्जिस्ट, यू डोंट मैटर टू माई लाइफ, मैटर नहीं करते भैया, तुम निकल लो अपनी लाइफ में। साजन सजनी बाबू जानू निकल लो, कोई मतलब नहीं है, तुम्हारी औकात नहीं है मुझे रखने की, काबिल नहीं हो आप मेरे, यू डोंट डिजर्व मी, समझे? ये रखो अपने अंदर, इतनी सेल्फ एस्टीम रखो, इतना सेल्फ रेस्पेक्ट रखो कि इग्नोर मारा यार, ठीक है हम झुके, हमने सॉरी बोला, हमने सब कुछ किया अपनी ओर से, लेकिन तुम साले मतलब इतना फायदा उठा रहे हो हमारे झुकने का कि हम झुके पड़े, आपको कोई केयर ही नहीं हमारी, फिर मतलब क्या बनता है इतना झुकने का, समझ रहे हो आप? आपने बहुत वेट कर लिया, बहुत इंतजार कर लिया, सब कुछ कर लिया, तो भैया अब आगे बढ़ो, अब उसको अपनी लाइफ से निकालो, हटो, सेपरेट करो अपने आप को, और अपने आप को इस पोजीशन पे लेके जाओ अपनी लाइफ में ना, कि जहां पे आपको कोई इम्पैक्ट ना पड़े, कोई धोखा दे तब इम्पैक्ट ना पड़े, कोई फर्क ना पड़े, कोई भी फर्क ना पड़े, जब कोई धोखा दे, जब कोई इग्नोर करे, जब कोई बात ना माने, जब कोई रिजेक्ट करे, जब कोई एक्सेप्ट करे, कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं जो हूं वो मैं हूं, आई एम हु आई एम, योर टू सेंट्स डोंट काउंट टू मी एंड माई लाइफ। ये बनाइए अपनी लाइफ में और आगे बढ़िए कि मतलब नहीं है भैया, अब निकल लो, बहुत रिक्वेस्ट कर ली हमने, बहुत रिक्वेस्टें कर ली हमने कि अब तो आप निकल ही लो, अब निकलने में ही भलाई है, ठीक है? क्या आपका कोई इतना फायदा ना उठा है, बस हो गया सर, निकलिए आप, अब भी निकलिए, नहीं करना अब हमें कुछ भी, ठीक है? बहुत सह लिया हमने, बहुत रिक्वेस्ट कर ली, बहुत सब कुछ कर लिया, बाबूजी राम राम, निकल लो अब, ये रखो, क्या आपने सब कुछ किया ना यार, बहुत है भाई, बहुत किया, आजकल के लोग इतना नहीं करते हैं, ठीक है? मतलब कसम से नहीं करते यार आजकल के लोग, देखा है जमाना कैसा है, नहीं करते लोग, आपने इतना कुछ किया दैट मीन्स अ लॉट, समझे? अब बहुत हो गया, अब निकल लो, जो भी था भैया तुम निकल लो, तुम्हें निकल लो, और हम बढ़े आगे अपनी लाइफ में, हमें मतलब नहीं है, और अपने आप को इस लेवल पे ले जाके पहुंचो कि यार मुझे यहाँ पे ना किसी से फर्क नहीं पड़ता, यहाँ चाहे कोई मुझे धोखा दे, रिजेक्ट करे, कुछ भी करे, फर्क नहीं पड़ता, मुझे मेरी लाइफ है, मुझे मेरी लाइफ में आगे बढ़ना है, ग्रो करना है, वो मेरे लिए सबसे ज़्यादा मैटर करता है, सबसे ज़्यादा मेरे लिए वही इंपॉर्टेंट है, और वो मैं करने वाला हूँ, समझे मेरे दोस्त? इस बात को अपनी लाइफ में अप्लाई करो और आगे बढ़ो और फाड़ो, अपने दिल में आग लगाओ और अपनी लाइफ में। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, स्टे कनेक्टेड, स्टे ब्लेस्ड, गॉड ब्लेस यू मेरे दोस्त, पीस।